जय हिंद बच्चों, जय हिंद सर। मेरे मुंह से आता है कि दुनिया एक अजब प्रेम की गजब कहानी है। अब क्या है सर अजब प्रेम की गजब कहानी? हम जिसे भाव देते हैं वो हमें भाव नहीं देता है, और जो हमें भाव नहीं देता उसे और कोई भाव नहीं देता। यही तो दुनिया है सर। क्या कहना चाहते हो? एक सादा एग्जाम्पल है। तुम्हारे क्लास के अंदर जो होशियार बच्चा होता है, अब मेरे को कुछ आता नहीं तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उसको चिपकने की, क्योंकि मेरे को कुछ आता नहीं, मेरे को पता है उसे बहुत कुछ आता है, इसलिए उससे कुछ जानकारी हासिल हो इसलिए मैं उसको चिपकता हूँ, और वो मेरे को भाव नहीं देता है। पर स्पोर्ट्स में कोई और होशियार होता है, होशियार बच्चा उसको भाव देता है, पर वो स्पोर्ट्स वाला बच्चा इसको भाव नहीं देता है। ये चाहिए नहीं, दुनिया भी ऐसी है। बस मैंने एग्जाम्पल क्लास का दिया क्योंकि वीडियो देखने वाले बच्चे मेरे साथ, तो तुम ऐसा फील मत करो कि वो मेरे को बहाने दे रहा है तो मेरे को गिल्टी गिल्टी फील हो रहा है, बुरा लग रहा है। उसमें रखने के सवाल नहीं होता है। तो सर इसका सोल्यूशन क्या है? अपने आप को रेस करो, अपने 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 अंदर पावर बढ़ाओ। उसका बच्चा मेरे को बहाने दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा? उसके बाद थोड़ा बहुत जानकारी है तो कोशिश करो ना, किताबें पढ़ो, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओ। कपड़ों से नहीं रे, नॉलेज से, दिमाग से। किताबें पढ़ो, ट्यूशंस लगाओ, बाहर जाओ, कोशिश करो, यूट्यूब पे सर्च करो कि किसी भी हालत में मेरा नॉलेज में कैसे इंक्रीज करो। जिस दिन तुमने इसको सीख लिया, अचीव करना सीख लिया, जो मेरे में कमतरता है मैं किसी भी तरह से उसको अचीव करूंगा और अपने आप रेज हो जाऊंगा, तब तो तुम्हें राजा बनने से कोई नहीं रोकने वाला, जो कि मेरा फर्स्ट एंड लास्ट एम है। बनना ही तो राजा बनना है, पर उतना आसान भी नहीं है। तुम्हारे लिए पॉसिबल है, बस तुमको पता नहीं राजा बनने के लिए किस किस बातों की जरूरत है। मैं बस आपको बता रहा हूँ, फिर आप पे निर्भर करता है। अब मेरा तो 30 के आगे चला रहा है, मैं एज हो चुका है, अब जो है सो खुश रहना चाहता हूँ मैं। पर आप यंग, आप कुछ भी कर सकते हो। चलो सीधा मुद्दा, ज्यादा बात नहीं करता। 9.2 थर्ड क्वेश्चन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन गिवन। गिवन क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 251.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड रेडियस आर कितना है? अरे रेडियस ऑफ द कोन इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स स्लांट हाइट, स्लांट हाइट निकालना है और परपेंडिकुलर हाइट निकालना है। मींस वी वांट टू फाइंड टू थिंग्स इन द सेम क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? द वैल्यू ऑफ पाई इज गिवन 3.14। ओके, क्या दिया है? कर्व सरफेस एरिया। अगर मेरे को एल ढूंढना है तो एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अरे यार मेरे हाथ में एच भी नहीं है, पॉसिबल नहीं। चलो ठीक है, आप जो दिया उसके बारे में सोचते, जो दिया उसके बारे में सोचते। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, फॉर्मूला क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, फॉर्मूला है ठीक है, इक्वल टू 251.2 गिवन है ठीक है। अरे हाँ, अब इससे हमें एल आने वाला है, जैसे एल पता चला एच भी अपने आप आने वाला है। इसलिए जो क्वेश्चन में पूछा सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, तो जो दिया उसके पास में चिपक गया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल ठीक है, पाई की वैल्यू उन्होंने गिवन है कितनी है 3.14, आर कितना है रेडियस भी दिया है, एल कितना है पता नहीं ठीक है 251.2 ठीक है। अब इसको सॉल्व करने से मेरे हाथ में आने वाला है एल, एल इक्वल टू 251.2 अपॉन इनटू के फॉर्म में, लेफ्ट हैंड साइड पे व्हेन इट गोज टू राइट हैंड साइड इट गोज इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन 3.14 इनटू 8। जब भी कभी हम सॉल्व करते हैं तो कोशिश करो डेसिमल को रिमूव करने की, पॉइंट के बाद वन डिजिट, पॉइंट के बाद दो डिजिट। तो क्या करो, पहले एक एक स्टेप करो, एक डिजिट आगे, एक डिजिट आगे, 2512 पॉइंट के बाद एक डिजिट आगे गया तो 3.14, इसका मतलब 31.4 इनटू 8 हो गया। दोनों भी एक एक डिजिट आगे ढकल दे, चलता है। पॉइंट के बाद वन डिजिट है पर ऊपर तो पॉइंट नहीं, तो ठीक है इसको हटाना है तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करो, 25120 इंटू 314 इंटू 8। बस मैंने डेसिमल रिमूव किया,
हाँ सर आप समझ में आया, ठीक है। 4 2 8, 4 6 24, 1 carry, 4 2 8, 3, 4 8 32 और 0। अरे हाँ सर बिल्कुल सही। 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, 2 4 8 और 0। अरे यार 341 314 314 10 3 1 4 0 और आसन हो गए। तो मेरे हाथ में एल आ गए, स्लांट हाइट आ गए, कितने आ गए 10 सेंटीमीटर, जिसकी हमें जरूरत थी। अब क्या ढूंढना है, एच ढूंढना है। चलो एच एच ढूंढना है। एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एज वी नो दैट, ठीक है। एल एल कितना है 10 इक्वल टू अंडर रूट एच, वही हमें ढूंढना है, एच स्क्वायर प्लस आर पता है 8। अब यहां पे स्क्वायर रूट नहीं, यहां पे स्क्वायर रूट है। अगर हमें स्क्वायर रूट हटाना है तो स्क्वेयरिंग करनी पड़ती है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। इससे क्या हुआ, जो 10 था 10 का स्क्वायर इधर स्क्वायर आ गया और स्क्वायर रूट चला गया, तो क्या बचा एच स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अरे हाँ अब बहुत आसान हो गया, 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू एच स्क्वायर अपनी जगह पे, 8 का स्क्वायर 8 8 64, ठीक है 100 अपनी जगह पे, 64 ने जगह छोड़ दी, प्लस का माइनस हो गया एच स्क्वायर कितना आया 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 6 9 माइनस 6, 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 9 माइनस 6 3 इक्वल टू एच स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो एच कितना आ गया 6 6 6 36। क्या पूछा था, फाइंड दी एल एंड एच, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट हमने निकाली, स्लांट हाइट कितनी आ गई, स्लांट हाइट एल कितना आया था 10 आया था, फिर बाद में निकाला एच, एच निकालने के तरीका एल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वैल्यू पुट की, स्क्वायर रूट रिमूव करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सॉल्व किया एच अपनी जगह पे 64 इधर आ गया, 100 माइनस 64 36 36 इक्वल टू एच स्क्वायर, मेरे को एच चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो एच इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एच भी आ गया और स्लांट हाइट भी आ गए, एच बोलो तो परपेंडिकुलर हाइट, एल बोलो तो स्लांट हाइट। नंबर 4, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ क्लोज कोन ऑफ थिन शीट हैविंग रेडियस बेस 6 मीटर स्लांट हाइट एच 8 मीटर इफ द रेट ऑफ मेकिंग इज ₹100 10 per meter square। क्या दिया है, मेरे पास समझो थिन शीट है या कोई तो भी पुष्टा है या कोई तो भी पेपर है, उस पेपर से मेरे को क्लोज कोन बनाना है, तो मुझे उस पेपर की कितनी जरूरत है और उस कर्व कोन को बनाने के लिए पेपर से मेरे को कोन बनाना है, क्लोज कोन ऊपर से भी और नीचे से भी, और उसको बनाने का खर्चा कितना है ₹10 per meter square। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो थिन सीट है क्लोज कर्व, कितनी थिन सीट मेरे को जरूरत गिरने वाली है, पहले वो मैं निकालूंगा और उसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस्ट अपने आप आ जाएंगे। तो ठीक है अब क्या दिया, व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ मेकिंग क्लोज कोन सेम सीट मेकिंग हैविंग रेडियस बेस रेडियस गिवन, आर कितना है 6 मीटर, स्लांट हाइट कितनी है 8 मीटर। सबसे पहले हम निकालेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, उस कोन को बनाने के लिए पूरा कवर करना पड़ेगा ना, उसको थिन सीट कितनी जरूरत है, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है पाई आर एल प्लस आर, कवर सरफेस भी आने वाला है और नीचे का सर्कल भी आने वाला है, क्लोज बनाने हैं, ठीक है। अब पाई की वैल्यू गिवन है क्या, नहीं अपने हाथ में, 22/7 रेडियस 6 अंदर 8 रेडियस 6, तो कितना आया 22/7 × 6 14, 7 7 7 2 14, 22 6 2 12, 12 2 24 12 2 24 25 26 26 meter square। जो भी थिन मेटल रही, जो भी थिन मेटल रही मेरे को कितनी जरूरत है थिन मेटल की,
264 मीटर स्क्वायर, इतनी मेरे को मेटल सीट की जरूरत है। और खर्चा कितना है, अगर मैंने एक मीटर स्क्वायर काम किया तो उसका खर्चा कितना है 10। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू 10 इंटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, 10 इंटू 264 इक्वल टू रुपीज 2640, 2640 रुपए, इतना खर्चा आने वाला है किसको, जो पूरा कोन है उसको बनाने के लिए। ये देखो, फिर भी किसी बच्चे आंसर आ गया पर आधे से ज्यादा बच्चों को इमेज नहीं हुआ 3 मीटर क्या है। ये देखो, एक तो बात पक्की हो गई, क्या पक्की हो गई, कोन कुछ इस तरह से होता है। थिन मेटल सीट समझो, जो पुष्टा है, हापुष्टा का है, थिन मेटल सीट है, पतरा है, समझा, पतरा, यहां पतरा नहीं माने कोन बनवाचा, कसा असा कोन बनवाचा की असा कवर शेप आला पाहिजे आणि खालून म्हणजे सर्कल आहे ती पण ते कवर झालं पाहिजे, कशाने कवर झालं पाहिजे, थिन मेटल सीटनी, जो पत्रा असतो का डब्बे असते सेम, हा आता डब्ब्याचा कोन बनवायचा, म्हणजे त्या डब्ब्याचा कोन आणायचा, जो पत्रा असतो त्या पत्र्यानी कोन बनवायचा, पण ते पूर्ण कवर झाला पाहिजे वरून पण आणि खालून पण, तर मग किती खर्च येईल, आणि त्यांनी सांगितलं एक मीटर स्क्वेअर त्या पत्र्या संघाचं मी काही काम केलं तर ती माझी मजुरी असणार आहे, मग ठीक आहे थिन मेटल, मग असा कोन बनवायचा की त्याची रेडियस 6 सेंटीमीटर आहे आणि स्लॅन्ट हाईट 8 आहे, असा कोन बनवायचा तर किती पैसे द्यावे लागतील, मग ठीक आहे मी आधी काय केलं याला कव्हर सर्फेस एरिया काढा की तसा कोन बनविण्यासाठी किती पुष्टा म्हणा किंवा पत्रा म्हणा याची गरज आहे। मग फॉर्म्युला काय, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू पाय आर एल प्लस आर, आपल्याकडे एल पण आहे आणि आर पण आहे, 22 × r 6 ह्या दोघांची बेरीज के, ठीक आहे काटाकाटी के, आता इंटूच्या फॉर्म मध्ये चालत, व्हेनेव्हर इज ब्रॅकेट आउटसाइड नंबर दॅट इज ऑलवेज मल्टिप्लिकेशन, राईट ऑर डोंट राईट, बट जस्ट रिमेंबर ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 7 × 7 = 7 × 7 = 14, 6 × 2 = 12, हे 22, 12 × 2 = 24, 12 × 2 = 24 + 2 = 26 मीटर स्क्वेअर। आता हे काय झालं, म्हणजे असा कोन बनवायचा म्हणा, असा कोन बनवायचा की त्याची रेडियस 6 मीटर आहे, स्लॅन्ट हाईट 8 आहे, असा कोन बनविण्यासाठी मला मार्केटमधून किती पत्रा घ्यावा लागणार आहे किंवा पुष्टा घ्यावा लागणार आहे, 264 मीटर स्क्वेअर एवढा पत्रा विकत घ्यावा लागणार आहे, ठीक आहे, मग एखाद्या मजुराकडे लागणार आहे आणि ते मजूर सांगितलं मला कोन बनवून द्यायचा, मग ते सांगेल सर 10 रुपये पर